तो दोस्तों ये है हमारा MIUI 3R और इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है यहाँ पर जो हमारा MIUI 12 है वो बीटा रोम हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है हमारे MIUI 3 के अंदर। माई डिवाइस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको MIUI 12 का लोगो मिल जाता है, साथ में स्टोरेज यहाँ पर 3D एनिमेशंस के साथ में मिलता है। आपको यहाँ पर अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाएंगे आपके मेमोरी के हिसाब से, कितना आपने म्यूज़िक आपके फ़ोन में कितना म्यूज़िक है, कितना वीडियोस है, उसी हिसाब से यहाँ पर आपको कलर्स देखने को मिल जाएंगे। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर ऑल स्पेक्स में मैं आपको लेके चलता हूँ तो ऑल स्पेक्स में आपको यहाँ पर गाइस हमें यहाँ पर एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है जो हमारे MIUI 3 पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। अभी तक यहाँ पर मुझे अभी तक कोई भी लैग देखने को नहीं मिला है। दोस्तों पिछले कई रोम मैंने आपको MIUI 12.2 नेक्स्ट रोम के दिए हैं उसमें आपको यहाँ पर कंट्रोल सेंटर देखने को नहीं मिलता था, यहाँ पर आपका कंट्रोल सेंटर इनेबल हो चुका है। दोस्तों ऐप ओपनिंग कितना मस्त लग रहा है यार, ये बता दो ज़रा एक बार कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर जो इसका ऐप ओपनिंग है। और यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं एनिमेशंस के रिगार्डिंग, यानी कि यहाँ पर आपको फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मान लीजिए ये थीम्स है तो थीम भी यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलता है। गाइस बहुत ही सारे अपडेट किए गए हैं यहाँ पर। अभी अगर मैं आपको दोस्तों मैसेजेस को अगर मैं यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो में इनेबल करना चाहूँ तो यहाँ पर हम इसको फ्लोटिंग विंडो में ऐसे यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको हम अभी कहीं भी रख सकते हैं यहाँ पर, और अपना कोई भी यहाँ पर जो कुछ भी अगर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा किसी भी एप्लीकेशन में वर्क करना चाह रहे हैं, यूट्यूब देखना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जब भी आपको यहाँ पर काम हो आप इसको टैप करके ऐसे यूज़ भी कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस और कस्टमाइजेशंस यहाँ पर दिए गए हैं आपको। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप रीसेंट एप्लीकेशन पर स्विच करेंगे तो कुछ ऐसा एनिमेशंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं आपको ऐप टू ऐप स्विच करके दिखा दूँ तो ऐसे आप स्क्रॉल करके यहाँ पर इस बार से और रीसेंट एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड 10 में यार बहुत ही कमाल का फीचर देखने को मिलता है। दोस्तों MIUI 12 में आपको यार बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे। पूरी की पूरी तरह यहाँ पर आपको चेंज कर दिया गया है हमारा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क में भी आपको बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर आपको डिफ़ॉल्ट 4 कॉल्स रखना है तो आपको SIM 1, SIM 2 और आस्क या डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद डेटा कार्ड में भी आपको कुछ ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है ऑप्शंस। नीचे आपको सभी ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, डुअल सिम 4G VoLTE तो आप इनको इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डेटा रोमिंग देखने को मिलता है, आप इसको इनेबल और डिसेबल कर पाएंगे यहाँ से। दोस्तों मोबाइल नेटवर्क में आपको यहाँ पर नेटवर्क स्पीड टेस्ट देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप अपने नेटवर्क की स्पीड को टेस्ट कर पाएंगे बड़ी आराम से। और इसके बाद अगर आप बैक करते हैं यहाँ से तो बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं, मैं आपको डिटेल में इसका रिव्यू दूंगा। दोस्तों यहाँ पर जो है सभी चीज़ें अपडेटेड हैं यहाँ पर, लेकिन अभी आपको यहाँ पर कैमरे में बग देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक बीटा रोम है। अगर मैं यहाँ पर फ्रंट कैमरे पर स्विच कर रहा हूँ तो स्विच करते ही जैसे यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो यहाँ पर फोर्स स्टॉप हो जा रहा है, यानी कि कैमरे के लिए आपको यहाँ पर जी कैम डालना पड़ेगा अगर आप इस रोम को अपने डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर इसका स्टॉक कैमरा वर्क नहीं कर रहा है अभी, आगे जितने भी अपडेट आएंगे उसमें ये रोम जो है स्टेबल होता चला जाएगा यहाँ पर। बाकी अभी यहाँ पर आपको एंड्रॉयड 10 बेस्ड यहाँ पर MIUI 12 देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर भी देखने को मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और गाइस यहाँ पर जो आपको फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर वर्किंग नहीं है अभी इस रोम के अंदर, यानी कि फ्यूचर में आपको यहाँ पर फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन है लेकिन यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। दोस्तों जैसे ही मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट, दोस्तों यहाँ पर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये रोम अभी बीटा में है और बीटा रोम में कुछ ना कुछ बग्स रहते हैं यार। तो यहाँ पर आपका सिक्योरिटी के रिगार्डिंग यहाँ पर आपका जो फेस अनलॉक है वो यहाँ पर बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, और मैंने फेस अनलॉक को इनेबल किया है। जैसे ही आप देख सकते हैं फेस रिकॉग्नाइज इसका बड़ा ही फास्ट है यहाँ पर, और देखते ही तुरंत एकदम अनलॉक हो जाता है। तो ये बहुत ही यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है और बहुत ही कमाल का यहाँ पर काम कर रहा है। बाकी फ्यूचर में आपका जब यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ जाएगा, यानी कि फिंगरप्रिंट जब आपका इनेबल हो जाएगा इस रोम के अंदर, तो बहुत ही ज़्यादा कमाल हो जाएगा यार ये।
बहुत जल्दी ये स्टेबल होने वाला है। तो और नेक्स्ट रोम से अच्छा मेरे को ये लगा है यहाँ पर देखने में, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी भी यहाँ पर आपको देखने मिलता है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। दोस्तों इसका रिव्यू मैं आपके लिए जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। दोस्तों पिछले MIUI 12.2 नेक्स्ट रोम के अंदर जो भी मिसिंग था वो सभी का सभी यहाँ पर मिल गया है। आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है, उसका मेन हाईलाइट है यार। दोस्तों इस रोम का मेन हाईलाइट यहाँ पर कंट्रोल सेंटर है, जो यहाँ पर आपको इनेबल मिल जाता है। साथ में आपको यहाँ पर बहुत ही सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर अलग अलग एनिमेशंस देखने को मिल जाते हैं। हर जगह आपको बहुत सारे यहाँ पर कस्टमाइजेशंस दिए गए हैं। यहाँ पर गाइज MIUI 12 के अंदर यार जो भी हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट किया गया है, यानी कि उनको थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है। जैसे सेटिंग का यहाँ पर आप लोगो देख सकते हैं, तो इसको यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, और अंदर भी आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ पर अपडेटेड आपको देखने को मिलेगा, आप थीम स्टोर से इसको चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर इनेबल किए गए हैं। यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं इनमें आपको कोई भी बग देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर जो इस रोम का जो बग है वो यहाँ पर सबसे बड़ा है, ये फिंगरप्रिंट अनलॉक अभी यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है। फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, आप फिंगर को आप रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर आप फिंगरप्रिंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे फिलहाल के लिए। बाकी यहाँ पर फेस अनलॉक बड़े ही तेज़ी से काम कर रहा है, और यहाँ पर जो आपका स्टॉक कैमरा है यार ये स्विच करते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन जैसे ही आप फ्रंट कैमरे पर स्विच करेंगे तो फ्रंट कैमरे पर स्विच करते ही ये फोर्स स्टॉप हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कांट कनेक्ट द कैमरा, कुछ ऐसा यहाँ पर लैग हो जा रहा है। ये कोई बात नहीं, ये फिक्स हो जाएगा थोड़े दिन बाद। आप इसके लिए इसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप जी कैम को डाल सकते हैं और बड़े ही आराम से आप इसे यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन मेथड, कैसे आपको इसे अपने डिवाइस के अंदर फ्लैश करना है। दोस्तों इस रोम का लिंक भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर ही प्रोवाइड करूँगा, तो अगर आप मेरे साथ वहाँ पर ज्वाइन नहीं है वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, DM कीजिए, मैं आपको इस रोम का लिंक वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप आ सकते हैं और मुझे ज्वाइन कीजिए, मैं वहाँ पर आपको MIUI 12 का ये रोम वहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे आपने अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर अपने फ़ोन का स्विच ऑफ कर देना है, और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर आना है अपने रिकवरी मोड TWRP के अंदर। जाने के लिए हमें पावर की प्लस वॉल्यूम अप बटन को एक साथ में प्रेस करके होल्ड करके रखना रहेगा। तो जैसे ही आप होल्ड करके रखेंगे जैसे ही यहाँ पर एंड्रॉयड 1 का लोगो आएगा, आपको पावर की को छोड़ देना है और की प्रेसिंग वॉल्यूम अप बटन, तो आपका यहाँ पर जो है रिकवरी के अंदर चला गया है आपका फ़ोन। यहाँ पर आपका शार्प रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने कोई सा भी रिकवरी यहाँ पर इंस्टॉल किया था तो वो शार्प रिकवरी में यहाँ पर चेंज हो जाएगा। दोस्तों जब मैंने इस रोम को यहाँ पर इंस्टॉल किया था वो मैंने किया था TWRP से, डिफ़ॉल्ट इसमें आपको शार्प रिकवरी का ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन से TWRP गायब हो जाएगा और यहाँ पर शार्प रिकवरी आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना बैकअप ले लेना है, यहाँ पर सभी चीज़ों को यहाँ पर टिक ऑटोमेटिकली रहेगा, तो आपको यहाँ पर सिर्फ सिंगल टैप पे आप यहाँ से पूरा बैकअप बना लीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर बैक करना है, माउंट में जाना है, माउंट में जाने के बाद आपको सभी ऑप्शन सेलेक्ट करना है, USB OTG और MicroSD को छोड़ देना, ये आपने शायद नहीं यहाँ पर आपने इसको डाला नहीं होगा। तो आपने जाना है वाइप में, वाइप में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस वाइप में, यहाँ पर आपको इंटरनल स्टोरेज छोड़ देनी है और यहाँ पर सभी का सभी यहाँ पर वाइप कर देना है, वाइप कंफर्म, यहाँ पर आपका वाइप हो गया है सक्सेसफुली। बैक आएंगे आपको जाना है यहाँ पर फ्लैश में, जैसे ही आप फ्लैश में जाएंगे यहाँ पर आपको ये वाला वर्जन देखने को मिल जाएगा जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा इंस्टाग्राम पर। तो यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर टिक पर क्लिक कर देना है, कंफर्म फ्लैश करेंगे तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपका फ्लैशिंग यहाँ पर चालू हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, मुश्किल से यहाँ पर आपको जो टाइम लगने वाला है वो 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट बाद आपका ये फ्लैश हो जाएगा। और फ्लैश होने के बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना रहेगा सेटअप के दौरान। तो गाइस थोड़ा सा वेट कीजिएगा,
गाइज, अगर आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रहा है किसी भी तरह का, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज ज़रूर से डाल देना, DM कर देना मुझे इंस्टाग्राम पर। मैं आपकी वहाँ पर थोड़ी बहुत हेल्प जो भी मेरे से होगी वो मैं करता रहता हूँ वहाँ पर, तो कनेक्ट हो जाइए वहाँ पर। दोस्तों, अगर आपको MIUI 12 एंड्रॉयड 10 बेस्ड का लिंक चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं इंस्टाग्राम पर आ जाइए, टेलीग्राम पर हैं टेलीग्राम पर आ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, और साथ में यार कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इस रोम को अगर अपने MIUI 3 के अंदर फ्लैश करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर फिंगरप्रिंट में आपको बग देखने को मिलता है, साथ में आपको जो यहाँ पर कैमरा है उसमें आपको बग देखने को मिलता है, यानी कि थोड़ा सा आपको वेट करना रहेगा इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, MIUI 12 बीटा रोम के जितने भी अपडेट आगे आपको मिलेंगे उसमें सभी चीज़ें फिक्स होती चली जाएंगी ऑटोमेटिक, तो आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा यहाँ पर। यानी कि अगर आप इसको अभी इंस्टॉल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको। गाइज, रिव्यू का थोड़ा वेट करना, 2 दिन के अंदर मैं आपके लिए इसका रिव्यू भी लेके आऊँगा जिसमें मैं आपको इसके सारे बग्स बता दूंगा, क्या आपको इसमें बग्स देखने को मिल रहे हैं। अगर आपको इसमें कुछ भी बग्स देखने को मिलेगा मैं सभी का सभी डिटेल में आपको बता दूंगा। दोस्तों, आपके सामने मैं अभी इसको फ्लैश कर रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको इसका रिव्यू लेके आऊँगा जल्दी से जल्दी। 48 आवर्स का वेट करना। और यार दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना, इससे मेरी हेल्प होगी। यहाँ पर हमारा जो है रोम यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, उसके बाद आपने यहाँ पर टिक करना है, उसके बाद आपने चले जाना है यहाँ पर रिबूट पर। रिबूट पर जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पर रिबूट पर, उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्लॉट है वो B में ही रहेगा मेरे हिसाब से। दोस्तों, अगर आपको यहाँ पर बूटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, रिबूट नहीं हो रहा है या अटक जा रहा है आपका यहाँ पर डिवाइस, तो आप स्लॉट ए या बी को चूज़ करके देख लेना, आपका जो रिबूट है वो हो जाएगा, आपका फ़ोन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना रहेगा यहाँ पर, लगभग 5 से 7 मिनट का वेट करना होगा आपको, उसके बाद ये ऑटोमेटिक यहाँ पर इंस्टॉल होके ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ 5 मिनट का टाइम आपको लगेगा यहाँ पर, और उसके बाद आपका जो फ़ोन है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर MIUI का यहाँ पर लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, उसके बाद आपको बस यहाँ पर वेट करना है 5 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट, यही लगेगा आपको। और उसके बाद आपका जो फ़ोन है यहाँ पर MIUI 12 पे एंड्रॉयड 10 बेस्ड जो आपका रोम है यहाँ पर आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा, और उसके बाद आप इसको अपने डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हैं बड़े ही आराम से। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, MIUI का वर्ज़न आपको MIUI 3 के लिए देखने को मिल गया है। आशा करता हूँ आगे डेवलपर्स ने जो भी इसके अंदर चेंजेस लेके आने हैं वो लेके आएंगे और सभी के सभी बग्स को यहाँ पर फिक्स कर देंगे हमारे MIUI 3 के लिए। तो थैंक यू सो मच यार, जो भी डेवलपर ने हमारा ये रोम यहाँ पर बनाया है, बिग शाउट आउट यार हमारे डेवलपर को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे MIUI 3 के लिए। और यार इसके लिए बहुत ही सारे अलग कस्टम रोम्स भी हैं, अगर आप MIUI को पसंद नहीं करते हैं तो आप किसी भी अदर कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने MIUI 3 के लिए, पिक्सल एक्सपीरियंस या हावोक या फिर कोई भी अदर जितने भी आपको कस्टम OS देखने को मिलते हैं उन्हें आप फ्लैश कर सकते हैं, ऑरेंज फॉक्स, शार्प रिकवरी या फिर TWRP से। आपको अगर बूटिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप स्लॉट को A या B पर सेट कर देख लीजिएगा, आराम से आपका फ़ोन बूट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड्रॉयड 10 के जितने भी यहाँ पर रोम्स होते हैं ज़्यादातर स्लॉट A में यहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, और स्लॉट A में ही यहाँ पर रिबूट करना रहेगा आपको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे बहुत सारे भाइयों को प्रॉब्लम होती है कि यार हमारा फ़ोन बूट नहीं हुआ और अटक गया, हमारा बूट लूप हो गया है। तो गाइज, थोड़ा सा ऐसे आप जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कुछ इसी तरह आपको यहाँ पर करना रहेगा, और आप अपने MIUI 3 पर MIUI 12 को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाएंगे। मैं किसी भी तरह का यहाँ पर कोई भी यहाँ पर स्किप नहीं कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा का पूरा आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर पूरा सेटअप मैं आपको करके दिखाऊंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, और यार अपने MIUI 3 के अंदर आप इसको इंस्टॉल कर पाएँ MIUI 12 एंड्रॉयड 10 बेस्ड। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंतज़ार था आप सभी व्यूअर्स को, आपके लिए मैं यार ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाकर लेके आता रहता हूँ। दोस्तों, ये जो कॉन्टेंट्स हैं यार ये आपको किसी और चैनल पर नहीं देखने को मिलेंगे। हमारे योर फैमिलियर सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी के अभी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर देना, और साथ में यहाँ पर हमारा जो बूट हो चुका है हमारा MIUI 12 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी यहाँ पर MIUI 12 का यहाँ पर लोगो आने ही वाला है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो MIUI 12 है उसका यहाँ पर लोगो आ चुका है, इसको हमने करना है सेटअप। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इंग्लिश, यूके या यूएस, आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मैं करूँगा इंग्लिश यूएस, उसके बाद नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट जैसे ही हम करते हैं तो दोस्तों नेक्स्ट करने के बाद आपको दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर फेस हो रहा है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर ओके कर देना है। दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पर लैग देखने को मिलता है तो आपको जाना है अपने रिकवरी के अंदर। तो दोस्तों सेटअप के दौरान थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे फेस हो रहा था, यहाँ पर मैं गया वाइप के अंदर, वाइप में गया मैं एडवांस वाइप में, उसके बाद मैंने ये डेलविक को सिलेक्ट किया है, सबसे ऊपर ये जो डेलविक है इसको सिलेक्ट किया है, उसके बाद मैंने इसको टिक किया है, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर एक बार और टिक किया। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा डेलविक है मैंने इसको वाइप कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर रिबूट में गया, रिबूट में जाकर रिबूट कर दिया। तो यहाँ पर जो मेरे रिबूट होने के बाद जो मेरा रोम है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है, यानी कि मैं आपको अब इसका सेटअप दिखाने जा रहा हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर आपको रिस्पॉन्डिंग का या नॉट रिस्पॉन्डिंग का कुछ भी यहाँ पर इशू फेस होगा तो आपको एक बार वाइप डेलविक कर देना है, उसके बाद आपका यहाँ पर जो रोम है वो सक्सेसफुली यहाँ पर बूट हो जाएगा आपके MIUI 3 के अंदर। दोस्तों आप कोई भी रिकवरी इंस्टॉल किए हैं उससे आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने TWRP इंस्टॉल किया है तो TWRP से आप इसको फ्लैश कर दीजिए, ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर दीजिए। जब भी आप इसको फ्लैश कर देंगे उसके बाद आपके फ़ोन के अंदर जो रिकवरी है वो शार्प रिकवरी में चेंज हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपका जो सेटअप है वो आराम से हो जाएगा। यहाँ पर MIUI 12 का लोगो आ चुका है, मैंने करना है नेक्स्ट। यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इंग्लिश US, या आप कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपका जो भी रीजन है तो रीजन के हिसाब से आप सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ दूसरे यहाँ पर आई हैव एग्री एंड कंटिन्यू, इस पर मैं क्लिक करूँगा, नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अपना यहाँ पर जो आपको जो आपका मी अकाउंट है उससे आप लॉग इन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए आप मी अकाउंट को यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, उसके बाद आपका जो यहाँ पर सक्सेसफुली है यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा सभी का सभी, तो डोंट यूज़ यहाँ पर स्किप कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर जब मैं आपको यहाँ पर पैटर्न लगा कर दिखा देता हूँ, पैटर्न या यहाँ पर आप पासवर्ड कुछ भी सेट कर सकते हैं, लेकिन जब आप जाएंगे यहाँ पर अपने फिंगरप्रिंट को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस होगा, यानी कि यहाँ पर आपका जो फिंगरप्रिंट है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फिंगरप्रिंट जो स्कैनर है वो यहाँ पर आएगा ही नहीं, इसलिए आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट को यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर इसके लिए कोई भी फिक्स होगा, इसका जो भी बग फिक्स है अगर वो मेरे को मिलता है तो मैं आप तक शेयर ज़रूर से कर दूंगा। यहाँ पर अभी मैं इसको कर देता हूँ बैक, तो बैक करने के बाद मैं यहाँ पर इसको नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, और मेरा जो यहाँ पर सेटअप है मैं इसको कर दूंगा डिफ़ॉल्ट थीम MIUI की, और यहाँ पर नेक्स्ट करके यहाँ पर फुल जेस्टर्स को इनेबल कर दूंगा और स्किप स्टेप्स, और यहाँ पर MIUI 12 का मेरे पास लोगो आ चुका है, सेटअप कंप्लीट। स्वाइप अप करेंगे, होम स्क्रीन में जाएंगे और यहाँ पर आपको बार देखने को मिल गया आपका एंड्रॉयड 10 का। तो यही था यार कुछ सेटअप आपके MIUI 3 के लिए, और ऐसे सेटअप करके आप अपने फ़ोन के अंदर MIUI 12 एंड्रॉयड 10 बेस्ड को यहाँ पर इंस्टॉल कर पाओगे। और देखा देता हूँ मैं आपको एक बार, दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो यही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है MIUI 12 का लोगो। दोस्तों अगर आपको रिबूट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो वाइप डेलविक पर क्लिक करना, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तब आप फॉर्मेट डेटा कर सकते हैं, यानी कि आपको फिर दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑल स्पेक्स में मैं आपको दिखा देता हूँ अगेन, एंड्रॉयड वर्जन 10 और यहाँ पर MIUI 12 हमारे MIUI 3 के लिए आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और यार इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर लो, वहीं मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों।